अनोखी आवाज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय। बाल संत के नाम से मशहूर अभिनव अरोड़ा इन दिनों काफी सुर्खियों में है। दरअसल हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान अभिनव मंच पर ताली बजाकर राम नाम का जयकारा लगा रहे थे। स्वामी राम भद्राचार्य ने उन्हें मंच से नीचे उतारने के लिए कहा। इसी बीच स्वामी राम भद्राचार्य का एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें उन्होंने अभिनव को मूर्ख करार दिया है। इस कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। अब इस वायरल वीडियो पर अभिनव अरोड़ा को लेकर स्वामी राम भद्राचार्य की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा, बहुत मूर्ख का है। वो कहता है कि श्री कृष्ण भगवान उसके साथ पढ़ते हैं। भगवान क्या उसके साथ पढ़ेंगे, उसको तो शिष्टाचार के साथ बात करनी तक नहीं आती। मैंने तो वृंदावन में भी उसको बहुत डांटा था। उन्होंने यह बयान उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में दिया है। सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें अभिनव अरोड़ा जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य की धार्मिक सभा में मौजूद थे। स्वामी राम भद्राचार्य के पास जाकर कोई व्यक्ति कुछ बात कर रहा था, तभी अभिनव अरोड़ा मंच पर खड़े होकर जोर शोर से ताली बजाकर राम नाम का जयकारा लगाते हुए अपने रील्स बनवा रहे थे। इस दौरान स्वामी राम भद्राचार्य ने उन्हें डांटते हुए कहा कि नीचे उतारिए, हर स्थान की एक मर्यादा होती है, मेरी एक मर्यादा है। महाराज जी, आजकल बच्चे संत के रूप में लगातार प्रवचन कर रहे हैं काफी संख्या में, इसके लिए आप क्या? ये दुर्भाग्य, आपने भी मेरा एक वीडियो वायरल हुआ, आपने देखा होगा जी, उसके लिए आप क्या? अरोड़ा वाला, अरोड़ा वाला, वही बात, अभिनव अरोड़ा इतना मूर्ख लड़का है। वो कहता है कि कृष्ण उसके साथ पढ़ता, शिष्टता से उसको बोलने का मायना नहीं, भगवान के उसके साथ पढ़ेंगे। मैंने तो वृंदावन में उसको बहुत डांटा था। वो वीडियो परसों प्रतापगढ़ का बताया जा रहा है जो कि झूठ है। वो वीडियो आज से एक डेढ़ साल पुराना 2023 वृंदावन का है। क्या आपके माता पिता ने आपको कभी नहीं डांटा? क्या आपके गुरु ने आपको कभी नहीं डांटा? अगर देश के इतने बड़े संत जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी ने मुझे डांट भी दिया तो इसको देश का सबसे बड़ा मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? ये तो किसी ने नहीं डाला कि जगत गुरु राम भद्राचार्य जी ने उसके बाद मुझे अपने रूम में भी बुलाया था और अपना आशीर्वाद भी दिया था। लेकिन आपने बोला कि राम भद्राचार्य जी ने मुझे डांटा, अरे आपके गुरु ने भी तो आपको 8 साल की उम्र में कभी डांटा होगा, 9 साल की उम्र में कभी डांटा होगा। क्या आपसे 8 साल की उम्र में 9 साल की उम्र में कभी गलती नहीं हुई क्या? वो कह रहे हैं आप स्कूल नहीं गए। अरे मैं स्कूल जाता हूँ, और आज ऐसी स्थिति आ गई है कि मुझे इतनी ज़्यादा ट्रोलिंग कर रही है कि मैं इन लोगों की वजह से स्कूल नहीं जा पा रहा हूँ। मेरी वजह से मेरी बहन भी स्कूल नहीं जा पा रही है। आपको सोशल देश दुनिया और अपने आसपास की अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए अनोखी आवाज के साथ।